कोडरमा के केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। विरोध के दौरान अस्पताल से चिकित्सक और कर्मी फरार हो गए। परिजनों का कहना था कि दो दिन पहले बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन भर्ती कराने के बाद भी बच्चे की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर परिजनों ने कई बार चिकित्सकों से गुहार भी लगा चुके थे, लेकिन बार बार चिकित्सक बच्चे को बेहतर सुविधा देने की बात करते थे और देर रात अचानक जब बच्चे की मौत हो गई तो परिजन भड़क गए। कोडरमा में केयर अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। इनके दो छोटे छोटे बच्ची हैं और एक बच्चे हैं, और जो महिला थी जिसका बेटा था उसका पति भी धरती पे नहीं है। तो जिला प्रशासन और जो मेडिकल के जो संचालन है उनको विचार विमर्श करते हुए सबसे पहले इस पर तो प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए और 302 लगना चाहिए और इसका टीम गठित कर जांच हो और इस बच्चा जो छोटे छोटे इनके परिवार का भरण पोषण कैसे उसमें जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना। बच्चा भर्ती हुआ है जिसकी उम्र करीब 3 से 4 वर्ष है, जिसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे को मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से संभाल सकता हूँ और इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर चालू हुआ। 6 बजे के करीब बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई तो डॉक्टर आए और देखे और बोले कि ये बच्चा अब इस ट्रीटमेंट पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।